हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़ी हुई आ रही है। दरअसल दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि सांस की नली में संक्रमण हुआ है, जिसका इलाज डॉक्टर्स कर रही हैं। डॉक्टर्स की सख्त निगरानी में उनको रखा गया है और सोनिया गांधी की हालत पिछले काफी वक्त से बेहतर बताई जा रही है। आपको यहां पर यह भी बताते चलें कि अभी कुछ दिन पहले सोनिया गांधी कोरोना से संक्रमित पाई गई थी, जिसका भी उनका इलाज चला था, और अब खबर ये कि उनकी सांस की नली में संक्रमण हुआ है, जिसका इलाज डॉक्टर्स कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, ये उनकी हेल्थ से जुड़ी अपडेट ऐसे वक्त में आई है जब वो नेशनल हेराल्ड केस में फंसी हुई नजर आ रही हैं। उनको समन जारी हुआ है, 23 जून को कोर्ट ने उन्हें तलब किया है। राहुल गांधी से पहले ही इस मामले में पूछताछ हो चुकी है और अब बारी सोनिया गांधी की है, और ऐसे में उनके हेल्थ इश्यूज सामने आए हैं। आपको बताते चले, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC के महासचिव जयराम रमेश ने सोनिया गांधी की सेहत से जुड़ी ये जानकारी सबके साथ साझा की है। उन्होंने कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सोनिया गांधी के नाक से खून बहने की बात को भी सबके सामने रखा है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा उन्हें तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया और गुरुवार को इलाज से जुड़ी एक प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ा। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उनके लोअर रेस्पिरेटरी रूट में फंगल इन्फेक्शन का पता चला। मौजूदा वक्त में उनका इलाज पोस्ट कोविड लक्षणों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। लगातार उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है। बहरहाल, एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने सेहत से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही है, और दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो फंसी हुई हैं, तो उस समस्या से भी वो जूझती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो दिन पर दिन कांग्रेस और उसके नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दोनों मामलों में जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर।